हेलो एवरीवन, मैं एमबी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स। और सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज हम आज ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 3.4। 3.4 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है कि सार्व गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। दी हुई संख्याओं के क्या क्या निकालना है? सार्व गुणनखंड। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इजी तरीके से हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम सार्व गुणनखंड कैसे निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? निम्न के कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं, सार्व गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक जो नंबर क्वेश्चन है वो है 20 और 28। 20 और 28 के हमको क्या निकालना है? सार्व गुणनखंड निकालना है। 20 और 28 दोनों के सार्व गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले 20 के भी गुणनखंड निकालने होंगे और 28 के भी हमें क्या निकालने होंगे? गुणनखंड निकालने होंगे। तो हम 20 के गुणनखंड निकालते हैं, तो 20 के गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड क्या होता है सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं। जैसे 20 है, 20 जो है वो किस किस पहाड़े में आता है वो इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। 20 जैसे है तो 20 किस किस के पहाड़े में आता है वही क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे। तो 20 किस किस के पहाड़े में आता है, सबसे ध्यान रखिएगा, एक जो है वो सबके ही ट्रिबल में कॉमन होगा। तो एक है, दो में आएगा, तीन में नहीं आता है, चार में आता है, पांच में आता है, और किस में आएगा? फाइव में आ गया, और उसके बाद में आता है टेन में और ट्वेंटी में। एक, दो, चार, पांच, दस और बीस के पारे में 20 आता है। अब दूसरा हम लेते हैं 28। 28 के गुणनखंड, तो 28 में एक आएगा, दो से आएगा, क्योंकि 28 सम संख्या, और सम संख्या वाली जो संख्या सम संख्या जो होती है वो दो के पारे में तो आती है। चार में आता है, सात में आता है, चौदह में और 28 में। एक के पारे में आ रहा है, दो में आ रहा है, चार सात 28, तो चारों सात दोनों हो जाएगा, चौदह दूनी 28, तो 28, 14 और 2 आ गया, 28 एक 28। ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। अब इनके निकालना है हमको सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड हम निकालेंगे, सबसे पहला देखिए कॉमन है 1, तो हमने ले लिया 1। 2 भी दोनों में ही है, 2 हमने ले लिया। 4 है, लेकिन आगे कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है, तो लास्ट इसका क्या होगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और कितना हो गया 4। 20 और 28 के जो सार्व गुणनखंड है दोनों की जो पहाड़े में, दोनों किस पहाड़े में आता है? तो 1, 2 और 4 ऐसी संख्या है जो दोनों में, जिसके पहाड़े में 20 भी आता है और 28 भी आता है। अब हम देखेंगे बी वाला क्वेश्चन, और बी वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास संख्या दे रखी है वो कौन सी है? 15 और 25। 15 और 25। तो सबसे पहले हम 15 के गुणनखंड निकालेंगे। 15 के गुणनखंड हम निकालेंगे, तो 15 किस किस के पहाड़े में आता है? एक में आता है, दो में नहीं आता, तीनों पंजे 15, तो तीन भी आएगा और पांच भी आ जाएगा, और किस में आता है? तो एक के में आ गया, तीन में आ गया, पांच में आ गया, डायरेक्टली ये किस में आता है? 15 में आता है। 1, 3, 5 और 15। नेक्स्ट हम लेंगे 25, और 25 के एक में आता है, पांच में आता है, और डायरेक्टली किस में आएगा? 25 में। 1, 5 और 25। अब इसके क्या निकालने हैं हमको? सार्व गुणनखंड निकालने हैं। तो सार्व गुणनखंड होंगे इनके, सार्व गुणनखंड सबसे पहला देखिए 1 कॉमन है, और 5 इधर भी है और 5 इधर भी है। तो 5 पहला तो बन लेंगे हम, सबसे पहला 1 और क्या होगा? 5। 1 और 5, तो 15 और 25 के सार्व गुणनखंड क्या हो गए? 1 और 5, 1 और 5। नेक्स्ट हम लेंगे सी वाला क्वेश्चन, और सी वाला जो क्वेश्चन है वो है 35 और 50। 35 और 50 के क्या निकालने हैं हमको? सार्व गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 35 के निकालेंगे हम। 35 का 1, 5 होता है, 7 के पहाड़े में आता है, 7 में हो गया, 1, 5, 7 में हो गया, इसके अलावा ये किस में आता है? 35 में ही आता है। 50 का लेंगे हम, 1 में आता है, 2 में भी आएगा, 25 2 50 हो जाएगा इसलिए 2 में आएगा, 5 में आता है, 10 में आता है, और किस में आएगा? ये आएगा 25 में, और लास्टली ये संख्या जो आएगी वो किस में आएगी? 50 में। तो 1, 2, 5, 10, 25 और 50 में आएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किसके सार्व गुणनखंड क्या होंगे? तो 1 तो सब में ही है, कॉमन है, 5 आ रहा है इसके बाद में, 1 और 5, इसका भी क्या आया हमारे पास? 1 और
5 और कोई भी संख्या जो है इसमें कॉमन नहीं है, मतलब सारे गुणनखंड नहीं है, समान नहीं है। कॉमन संख्या हमने ले ली 1 और 5 हमारे पास है, तो वो संख्या हमने निकाल ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डी नंबर, वो है 56 और 120। 56 और 120, 56 के गुणनखंड हम निकालेंगे सबसे पहले। 56 किस किस के में आता है? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 6 11, तो 11 तो नहीं आता है 3 के टेबल में, तो ये नहीं आएगा। 4 में आता है क्या? हाँ 4 में आता है। उसके बाद में 7 में आता है, 7 और 8 56, तो 8 भी आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद में किसमें आएगा? 14 चौक 56, तो 14 आ जाएगा। और किसमें आता होगा? 14 के बाद किसमें आएगा? 28 में भी ये आता है, तो 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 7 8 14 और 28, और लास्ट में किसमें आता है? 56 में। 120 का हमको निकालना है, 120 के गुणनखंड पहला 1 में आएगा, 2 में, 12 किस किस में आता है वो देखिए भी आप आइडिया लगा सकते हैं। पहले में आ जाएगा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 आने वाली संख्या 5 से कटती है हमेशा, 5 से भाग जाता है इसमें। 6 में आ जाएगा, 6 दूनी 12, और 0 बच जाएगा। फिर उसके बाद में 8 से होगा क्या, एक बार देख लीजिए, 8 से भी हो जाएगा। 10 से में आएगा, 12 में तो ये आएगा ही सही, 12 हो गया क्या, 16 में आएगा क्या, तो 16 में ये नहीं आता है। 20 के अंदर आएगा, 20 के बाद 30 में आएगा, 30 के बाद 40 में आएगा, 40 के बाद ये 60 में आएगा, और 60 के बाद ये किस में आएगा डायरेक्ट, 60 के बाद ये आएगा 120 में। अब हमको निकालना है कॉमन, तो कॉमन हमारे पास है 1 2 4, और कौन सी है, तो 4 हो गया, 8, बस यही संख्या हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो हम ले लेंगे। सार्व गुणनखंड क्या होंगे इसके? सार्व गुणनखंड जो होंगे इसके वो होंगे 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8। तो ये जो सार्व गुणनखंड है वो कैसे हम निकाले, इजी तरीके से वो हमने सीखा है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, सार्व गुणनखंड हम कैसे निकालने ये आपको समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।